तो फ्रेंड्स, इस गर्मी में अगर आप घूमने के लिए कोई भी पहाड़ों में जाना चाहते हो तो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन होगा गैंगटॉक या सिक्किम। ये सिक्किम घूमने के लिए व गैंगटॉक घूमने के लिए आप लोगों को पहले से बहुत कुछ चीज़ पता होना चाहिए, अगर नहीं तो वहाँ पर जाने के बाद बहुत दिक्कत हो सकता है एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सिक्किम घूमने के लिए आप लोगों को जो जो मेन चीज़ है ना, रूम कहाँ पर लेना सही होगा, बजट कितना होगा, कार कहाँ से लेना सही होगा एंड आपका जो प्रोग्राम है ना, वो प्रोग्राम कैसे आप प्लान कर सकते हो, कैसे प्लान करना चाहिए, और सबसे अहम बात, सिक्किम घूमने के लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है ये मानना पड़ेगा। तो ये सब कुछ घर से आप लोगों को पता होना चाहिए एंड इन सबको अपने दिमाग में सजा के उसके बाद ही आपको घर से निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत बजट कॉस्ट हो जाए, बहुत बजट ज़्यादा हो जाएगा एंड आपको बहुत दिक्कत में पड़ना पड़ेगा, जिसमें आपका जो घूमने के लिए जो मज़ा है ना, वो कम हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा सिक्किम के बारे में, सिक्किम घूमने के लिए जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, उन सब का एक सामरी आप लोगों को मिलेगा इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में कोई भी अलग से कोई स्पॉट पकड़ के उसका ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप सिक्किम टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैसे सिक्किम घूमने के लिए घूमने जा सकते हो एंड वहाँ पर जाने के बाद क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा और क्या क्या आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ये सब कुछ बताने के लिए ये वीडियो है। अगर आप लोगों को जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना एंड जिन लोगों को पता है वो लोग भाई आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूर गाइड एंड मैं हूँ जनार्दन, बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ एंड इसके बाद आप लोगों को वादा करता हूँ हर वीक में आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैं पिछले साल वीडियो डाला था, उसके बाद से मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मिडिल में मैं और कोई दूसरा काम था, उस काम में फंसा था, तो अभी वो सब कुछ निपटा लिया मैंने, अभी तो सिर्फ यूट्यूब पर ही काम करूँगा एंड आप लोगों को रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा एंड इस सारे वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, जिस इन्फॉर्मेशन को लेके आप अपना टूर एंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक देखना और अभी तक जो जो भाई सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, ये ठीक करना ज़रूरी है, आप कितने दिन का छुट्टी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका टूर प्लान होगा। तो टूर प्लान करने के टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए, गैंगटॉक घूमने के लिए पहले आप लोगों को एनजीपी पर या बागडोगरा पर आना होगा। तो एनजीपी या बागडोगरा से आप लोगों को कार से, बाई कार आप लोगों को गैंगटॉक तक पहुंचना होगा। तो गैंगटॉक तक पहुंचने के लिए 5 से 5.5 घंटा टाइम लगेगा एंड यहाँ पर जो बजट होता है शेयर बेसिस में कार में पर हेड 500 से 550 या 600 रुपीस तक चार्ज होता है, ये अकॉर्डिंग टू सीजन, मतलब कौन सीजन आप जा रहे हो उस सीजन में आपका ये जो कॉस्ट ना, ये वेरी करते हैं। और एक बात, यहाँ पर बार्गेनिंग करना पड़ेगा, अगर बार्गेनिंग नहीं करते हो तो आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगा आपका कॉस्ट। तो ये है मेन थियोरी गैंगटॉक पहुँचने तक। तो गैंगटॉक तो आप पहुँच गया, तो गैंगटॉक में आप कहाँ होटल लेना आपको सही होगा, देखिए आप तो अभी बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप होटल बुक कर सकते हो गैंगटॉक के लिए। तो गैंगटॉक के लिए जो होटल लेना है ना, वो एमजी मार्ग के आसपास या एमजी मार्ग से मतलब 500 से 600 मीटर दूरी के अंदर आप लोगों को होटल लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने जो वॉकिंग डिस्टेंस है, आप वॉकिंग डिस्टेंस में अगर एमजी मार्ग नहीं है तो एमजी मार्ग घूमने के लिए आप लोगों को अलग से कार लेके आना पड़ेगा एंड उससे वगैरह वगैरह ज़्यादा कॉस्ट आएगा एंड बहुत कुछ दिक्कत होगा। एमजी मार्ग के आसपास एंड एमजी मार्ग के ऊपर जो होटल है ना, एमजी मार्ग के ऊपर भी बहुत सारे होटल हैं, उन होटलों को कॉस्ट ज़्यादा है। सीजन में तो 2500 से मतलब 3000-3500 तक पर नाइट चार्ज करते हैं एंड ऑफ सीजन में थोड़ा कम होता है। और आसपास जो होटल है ना, ये 1500 में आप लोगों को मिलेगा, 1500 से 2000 में अच्छा अच्छा रूम मिल जाएगा। तो ये क्या आपका होटल लेने का जगह। तो अगर आपका प्रोग्राम 3 डेज़ का है, मतलब 3 डेज़ अगर आप एनजीपी से एनजीपी तक आपका 3 डेज़ 2 नाइट का प्रोग्राम है, तो पहला दिन आप एनजीपी से गैंगटॉक जाइए, गैंगटॉक में दोपहर में लंच किए, लंच के बाद आप
थोड़ा रेस्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप एमजी मार्ग पर घूम सकते हो। उसके अगले दिन आप छांगू नाथुलायन बाबा मंदिर के लिए निकल जाओ। तो छांगू नाथुलायन बाबा मंदिर घूमने के लिए पहले तो छांगू एंड बाबा मंदिर का पैकेज होता है, शेयर बेसिस में ये 600 से 700 रुपीस होता है पर हेड। एंड उसके अलावा नाथुला पास जाने के लिए अलग से 500 से 600 रुपीस चार्ज करता है पर ड्राइवर पर हेड। तो ये गया अलग से खर्च। तो ये पूरा दिन का प्रोग्राम है, मतलब सुबह से शाम तक का प्रोग्राम आपको मानना पड़ेगा। तो सुबह से निकल के आप शाम तक ये प्रोग्राम है छांगू नाथुला एंड बाबा मंदिर तीनों जगह। तो ये घूमने के बाद अगले दिन आपका तीन दिन का प्रोग्राम था। तो तीसरे दिन आप सुबह होटल से चेकआउट करके तीन पॉइंट का जो साइट सीन होता है थ्री पॉइंट साइट सीन करके आप डायरेक्ट एनजीबी पर पहुंच सकते हो। तो अगर आपका प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, मतलब अगर आप नॉर्थ सिक्किम घूमने जाना चाहते हो तो नॉर्थ सिक्किम के लिए अलग से पैकेज लेना पड़ता है, वहाँ से गैंगटॉक से गैंगटॉक तक। ये भी सीआरबीसी से पैकेज होता है, सीआरबीसी से 3500 से 4500 तक चार्ज होता है। तो ये क्या आपका प्रोग्राम, वो आपका 3 days 2 nights का प्रोग्राम होता है। एंड उसमें आप लाचुंग, लाचेन, गुरुदंगमा लेक, यमथम वैली, थांगू वैली, ये सब कुछ घूम सकते हो। एंड इसके अलावा 0 point काटाओ, ये भी काला पत्थर, ये भी आप देख सकते हो। तो वो अलग से पे करना पड़ता है ड्राइवर को वहाँ पर स्पॉट में। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों के लिए कार नंबर, कार ओनर की नंबर एंड उसके साथ साथ होटल, गैंगटॉक के आसपास जो होटल है ना, वो होटल का नंबर, जिस होटल में मैं रुका था उस होटल का नाम एंड नंबर मैं छोड़ दूंगा। आप अगर जाना चाहते हो तो कांटेक्ट करके जा सकते हो, बहुत अच्छा बिहेवियर है होटल का। एंड उसके साथ साथ कार ओनर के भी नंबर मैं दे दूंगा, और यहाँ पर आप फ़ोन करके पहले से कार बुक करके आप जा सकते हो। तो ये गया आप लोगों का टोटल प्रोग्राम। एंड इसके साथ साथ जो रूल एंड रेगुलेशन है गैंगटॉक घूमने के लिए, सिक्किम घूमने के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी सिक्किम घूमने के लिए आप लोगों को वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है ना, वो ले जाना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ वोटर आईडी कार्ड की जेरोक्स लेना पड़ेगा एंड ओरिजिनल कॉपी भी रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ फोटो आईडी, ये सब कुछ लगता है। एंड मास्क ऑलवेज यूज़ करना होगा। एंड वहाँ पर आप ओपनली स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, आप घर के अंदर स्मोकिंग कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो बहुत सारे लो हो गया, मतलब बहुत कम हो गया, नहीं तो पहले तो आरटीसीपीआर रिपोर्ट लेके जाना पड़ता था। तो अभी वो सारे कुछ लपड़ा नहीं है, तो फ्रीली घूम सकते हो आप। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जिस्ट है ना जो, वो आप लोगों को कवर करके आप लोगों को बताया हूँ। तो अगले वीडियो में अगर आप कोई जगह के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हो, कितना कॉस्ट आएगा ये जानना चाहते हो, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसी जगह के बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगले हफ्ता जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं सिर्फ एक प्रोग्राम बनाऊंगा, 7 दिन का जो सिक्किम प्रोग्राम होता है ना, 7 दिन का सिक्किम प्रोग्राम कैसे बना सकते हो, पूरा एनजीपी से एनजीपी तक डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, कैसे आप घूम सकते हो, कहाँ कहाँ जाना सही होगा, कहाँ कहाँ घूमना सही होगा, कितना कॉस्ट आएगा, उसके बारे में 7 डे का, 3 days and 7 days, ये 2 package मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाया हूँ। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करो, बहुत अच्छा वीडियो होगा एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।